चक्रधारी क्लासेस की नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जनजाति विशेष में कोरवा, खड़िया, खैरवार, नगेसिया, पंडू और बिहार जनजाति से संबंधित 17 MCQ के क्वेश्चन देखने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कोरवा जनजाति कितने भागों में बटा हुआ है? ऑप्शन है 3, 5, 4, 2। तो कोरवा जनजाति दो भागों में बटा हुआ है। पहला है पहाड़ी कोरवा, दूसरा है बिहारी कोरवा। अगला है, खैरवार जनजाति का संकेंद्रण किस क्षेत्र में नहीं है? ऑप्शन है बस्तर, सूरजपुर, सरगुजा, बिलासपुर। तो खैरवार जनजाति जो है सूरजपुर क्षेत्र में पाया जाता है, सरगुजा में पाया जाता है, बिलासपुर क्षेत्र में भी पाया जाता है, लेकिन यह दक्षिणी क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बस्तर। कौन सी जनजाति राज्य के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सर्वाधिक निवासरत है अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा? ऑप्शन है गदपा, परजा, भुंजिया या फिर कोरवा। इसका सही आंसर हो जाएगा कोरवा जनजाति। नेक्स्ट है, खैरवार जनजाति का पारंपरिक व्यवसाय क्या है? ऑप्शन है कत्था निर्माण, बांस निर्माण, लौह शिल्प या फिर काष्ठ शिल्प। तो खैरवार जनजाति जो है परंपरागत रूप से कत्था निर्माण का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खड़िया जनजाति कार्य करती है? ऑप्शन है पालकी ढोने का, बांस शिल्प का, मिट्टी खोदने का या फिर कृषि कार्य का। तो खड़िया जनजाति जो है पालकी ढोने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जनजाति द्वारा खुड़िया रानी की पूजा की जाती है? ऑप्शन है कोरवा जनजाति द्वारा, कंवर जनजाति द्वारा, भतरा जनजाति द्वारा या फिर कमार जनजाति द्वारा। तो खुड़िया रानी की पूजा कोरवा जनजाति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, खड़िया जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? ऑप्शन है रायपुर, सरगुजा, बस्तर या फिर बिलासपुर। तो खड़िया जनजाति जो है मूलतः सरगुजा क्षेत्र में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय खैर वृक्ष से कत्था निकालना है? ऑप्शन है धनवार, कुरकू, सहरिया या फिर खैरवार। ये क्वेश्चन हमने पिछले बार भी देख चुका है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खैरवार जनजाति द्वारा खैर वृक्ष से कत्था निकाला जाता है। नेक्स्ट है, पंडो जनजाति का निवास स्थान है? ऑप्शन है कुंडा गांव, सूरजपुर, गोरेला पिंडरा मरवाही या फिर गरियाबंद। तो पंडो जनजाति जो है उत्तरी क्षेत्र में रहती है, ये मतलब सूरजपुर जिले के आसपास इसका निवास क्षेत्र है। नेक्स्ट देखते हैं, नगेसिया किस जाति समूह से संबंधित है? ऑप्शन है मुंडा, उरांव, गोंड या फिर कंवर। इसका सही आंसर है मुंडा जनजाति। नेक्स्ट देखते हैं, गौरैया देव की पूजा कौन सी जनजाति करता है? ऑप्शन है पंडो, नगेसिया, बियार या फिर सभी। इसका सही आंसर है नगेसिया जनजाति जो है गौरैया देव की पूजा करते हैं। बियार जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है? ऑप्शन है दंतेवाड़ा, गरियाबंद, कबीरधाम या फिर सरगुजा। इसका सही आंसर है सरगुजा क्षेत्र में निवास करती है। नेक्स्ट है, इनमें से किस जनजाति को राज्य सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति के समतुल्य रखा गया है? ऑप्शन है पंडो, बिरहोर, बियार या फिर नगेसिया। इसका सही आंसर हो जाएगा पंडो जनजाति। नेक्स्ट है, नगेसिया शब्द की उत्पत्ति नागधन बसिया से हुआ है, इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन है नाग से उत्पन्न, नागपुर क्षेत्र में निवास के कारण या फिर दोनों या फिर कोई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागपुर क्षेत्र में निवास के कारण इसको नगेसिया कहते हैं। नेक्स्ट है, बरोखी विवाह प्रचलित है? ऑप्शन है बिहार में, पंडो में, उराव में या फिर नगेसिया जनजाति में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडो विवाह में बरोखी विवाह प्रचलित है। पंडो जनजाति अपना पूर्वज किसे मानते हैं? ऑप्शन है महादेव, कौरव, भूमिया देव या फिर पांडव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पांडवों को मानते हैं और इन्हीं से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। वागेश्वर देव किस जनजाति का आराध्य देव है? ऑप्शन है बिरहोर, बिहार, नगेसिया या फिर पंडो। इसका सही आंसर है पंडो जनजाति। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में।